और देखिए आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो। मैनपुरी में आप देख रहे हैं सीएम योगी के रोड शो की ये तस्वीरें। मैनपुरी हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और मुकाबला भी यहां पर बेहद दिलचस्प है। हालांकि मैनपुरी को भी जीतने का दावा यहां जरूर समाजवादी पार्टी की तरफ से तो वहीं बीजेपी की तरफ से तो किया जा रहा है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सीएम योगी का ये रोड शो मैनपुरी से, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त सीएम योगी के रोड शो की, ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से, ये सीधी तस्वीरें जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को, इस किले को भेदने की कोशिश में लगी हुई है। इस बार डिंपल यादव मैनपुरी से सपा प्रत्याशी हैं और ऐसे में एक कड़ी चुनौती यहां पर कही जा सकती है बीजेपी के लिए। बीजेपी के ठाकुर जैवी को प्रत्याशी यहां पर बनाया गया है और ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, बेहद इंटरेस्टिंग है, टक्कर कड़ी है, आमने सामने की लड़ाई यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जीत का यहाँ दावा ठोकते हुए। और इसी सिलसिले में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने पहुँचे हैं आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तस्वीरें मैनपुरी से। तो इस बार 80 मिशन पर काम करते हुए भाजपा हर सीट पर इस फाइट को टाइट बनाती हुई और अपने प्रत्याशी ठाकुर जयवीर के समर्थन में आज वोट की अपील करते हुए पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारी भीड़ और आप देख सकते हैं इस रोड शो की सीधी तस्वीरें मैनपुरी से। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है मैनपुरी, लेकिन इस फाइट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए ठाकुर जयवीर को यहां से उतारा है भाजपा ने और उन्हीं के समर्थन में वोट की अपील करते हुए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरे देश में 400 का नारा है लेकिन यूपी में 80 के 80 सीट जीतने का दावा भी यहां पर बीजेपी लगातार कर रही है और वो पॉसिबल तभी है जब समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी वो सेंध लगा पाए और उन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां सीट है ये मैनपुरी, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में हैं।